हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बिहार के एक फेमस पर्सनालिटी राजकुमार शुक्ला के बारे में जानेंगे। तो फेमस पर्सनालिटी से सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं कि इन व्यक्ति ने क्या काम किया, किस आंदोलन में, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से हम प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में हम राजकुमार शुक्ला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजकुमार शुक्ल की जीवनी। तो पूरा नाम था इनका राजकुमार शुक्ल। जन्म इनका हुआ था 23 अगस्त 1875 में। जन्मभूमि इनकी है पश्चिमी चंपारण बिहार। पश्चिमी चंपारण में बिहार में इनका जन्म स्थान है। मृत्यु इनकी हुई थी 20 मई 1929 को। और कहाँ हुई थी तो मोतिहारी, बिहार के एक जिले मोतिहारी में। नागरिकता यानी कि एक भारतीय थे। विशेष योगदान इनका क्या था तो चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। कुछ अन्य जानकारी है कि ये राजकुमार शुक्ल ही थे जिन्होंने चंपारण गांधी जी को चंपारण में आने को बाध्य किया और आने के बाद गांधी जी के बारे में मौखिक प्रचार करके सबको बताया ताकि जनमानस गांधी पर भरोसा कर सके और गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चल सके। तो ये राजकुमार शुक्ल ही थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया था और जो चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसके मुख्य प्रमुख व्यक्ति भी थे राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता और सत्याग्रह के लिए जमीन तैयार करने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल का चंपारण सत्याग्रह में अहम योगदान रहा। पंडित शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के चनपटिया के सतवरिया गाँव के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भोजपुरी भाषा की कैथी लिपि के जानकार पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण में तिनकटिया प्रथा को लेकर काफ़ी व्यथित थे जिसका हल खोजने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। तो जो तिनकटिया प्रथा चल रही थी भारत में, नील की खेती करवाई जा रही थी और जो 3/4 जो उस खेत का जो उत्पादन होता था उसे लगान के रूप में अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाता था, तो इसी प्रथा को विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा आंदोलन किया गया था। साथ ही महात्मा गांधी को भी रिक्वेस्ट करके उन्होंने बिहार बुलाया था चंपारण में। आंदोलन में सक्रिय रहे शुक्ल, यानी कि पंडित शुक्ल ने वर्ष 1908 में दशहरा मेले के समय लौरिया, पिपरहिया, लौकरिया, जोगापट्टी, लोही आर्या, कुड़िया कोठी आदि गांवों में किसानों को संगठित करके बैठक की। बैठक का असर हुआ कि आसपास के इलाकों में नील की खेती को बंद कर दिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने किसानों पर मुकदमा दायर कर जेल में बंद कर दिया। किसानों पर चलाए गए मुकदमे की पैरवी करने के लिए राजकुमार शुक्ल बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना एवं कोलकाता आदि शहरों में जाकर वकीलों से मिलते और किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास करते रहे। तो इस तरह से ये पूरी तरह से आंदोलन में सक्रिय थे। चंपारण आंदोलन को अखबार में दिलाई जगह, तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसे अखबारों में जगह दिलाने का काम ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही किया गया था। तो चंपारण में किसानों के शोषण से जुड़े समाचार तत्कालीन बिहारी अखबार में प्रकाशित होते थे। तो किसानों के साथ जो शोषण होते थे उससे जुड़े जो समाचार थे तो उस समय बिहारी अखबार चलता था, तो उसी अखबार में ये किसानों के शोषण से जुड़े जो न्यूज़ थे वो प्रकाशित होते थे। बाद में अखबार के संपादक महेश्वर बाबू को भी बर्खास्त करने के साथ अखबार को बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद शुक्ल ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप साप्ताहिक अखबार में 9 नवंबर 1913 को किसानों की समस्या को प्रमुखता से छापा गया, जिसके संपादक कौन थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो कानपुर का एक साप्ताहिक अखबार था प्रताप नाम का, उसी में 9 नवंबर 1913 को किसानों की समस्या को छापा गया था और उस अखबार के प्रताप अखबार के संपादक कौन थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। राजकुमार शुक्ल ने कानपुर जाकर प्रताप अखबार के दफ्तर में जाकर विद्यार्थियों से मुलाकात की और खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने का निवेदन किया। प्रताप ने वर्ष 1914 से 16 तक कुल 12 अंकों में चंपारण से संबंधित खबरें जो छापी थी। शुक्ल का बार बार कानपुर आना और गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलना और किसानों का दर्द सुनाना आदि घटनाओं को देखते हुए विद्यार्थी ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की बात बताई। इसे सुनकर शुक्ल काफ़ी खुश हुए। शुक्ल के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि महात्मा गांधी को चंपारण लाना, इसके लिए वह दिन रात जुटे थे। यानी कि उनका जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था कि किसी भी तरह महात्मा गांधी को चंपारण में लाया जाए और इसी के लिए वह दिन रात मेहनत करते रहते, दिन रात इसी कार्य में जुटे रहते थे।
शुक्ल की महात्मा गांधी से हुई मुलाकात, यानी कि महात्मा गांधी की राजकुमार शुक्ल से कब मुलाकात हुई, तो 10 अप्रैल 1914 को बांकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन और 13 अप्रैल 1915 को छपरा में हुए कांग्रेस सम्मेलन में पंडित शुक्ल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सम्मेलन में पंडित शुक्ल ने चंपारण के किसानों की स्थिति और अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी प्रमुखता से रखी। शुक्ल लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। 26 से 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर किसानों के दर्द को साझा किया और गांधी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। शुक्ल के बार बार आग्रह करने के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण आने का आश्वासन दिया। तो जो लखनऊ में जो कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ था उसी में महात्मा गांधी को मिले थे कौन, राजकुमार शुक्ल, और बार बार उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि आप चंपारण में आइए। आंदोलन के लिए शुक्ल ने की थी जमीन तैयार। तो जो भी चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसके लिए जो जमीन तैयार करना था, कहाँ से वो आंदोलन शुरू होगा, किस जगह पे होगा, तो उसके लिए जो जमीन था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही तैयार किया गया था। कोलकाता में पंडित राजकुमार शुक्ल से मुलाकात के बाद गांधी शुक्ल के साथ 10 अप्रैल 1917 को बांकीपुर पहुँचे और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की धरती पर कदम रखा। गांधी जी कब चंपारण की धरती पर कदम रखे, तो 15 अप्रैल 1917 को। गांधी चंपारण पहुंचकर न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दिया, जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी ने के आंदोलन के लिए शुक्ल ने जमीन तैयार की, जिसके बाद गांधी को अपेक्षित सफलता मिली। तो ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी को महात्मा बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो राजकुमार शुक्ल ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने चंपारण जो जिला था उसमें उन्होंने उन्हें मौका दिया कि वो सत्याग्रह करें, और इसी सत्याग्रह से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे और उसके बाद से ही उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। बाद में गांधी विश्व के बड़े नेता बनकर उभरे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी जो थे वो बड़े नेता बनकर भारत में उभरे थे। गांधी को चंपारण लाने और सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने में पंडित शुक्ल की अहम भूमिका रही। आंदोलन में अपनी जमीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर करने वाले शुक्ल के बाकी के दिन गरीबी में बिता और अपना काम पूरा करने के बाद शुक्ल 20 मई 1929 को दुनिया छोड़कर विदा हो गए। यानी कि आंदोलन में ही, देश की सेवा में ही उन्होंने अपनी पूरी जमीन और जायदाद, जितना सब कुछ भी था अपने पास, वो सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया, और उनके जो अंत के समय थे वो काफ़ी गरीबी भरे समय में बीते थे। उनके पास यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे मुखाग्नि मेरी बेटी देगी, और वही किया गया। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके शुक्ल का अंतिम संस्कार किया, और शुक्ल की बेटी जो थी देवपति उनका नाम था, उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शुक्ल के निधन के बाद अंग्रेज अधिकारी नीले एमन का भी दिल पिघल गया था। तो नीले एमन कौन था, उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था चंपारण के क्षेत्र में, और ये बहुत ज़्यादा उनको परेशान करता था, बहुत ज़्यादा अपने नीतियों से परेशान करता था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसका भी दिल पिघल गया। वो ऐसा कहा था कि एक अकेला जो मर्द था चंपारण में, उसकी मृत्यु हो गई थी, और कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि उसने कुछ पैसे भी भिजवाए थे इनके अंतिम संस्कार के लिए। तो उनके जो अंत का समय था वो काफ़ी गरीबी में, काफ़ी कष्ट में गुजरा था। तो ये था राजकुमार शुक्ल से जुड़े कुछ तथ्य जिससे कि एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।